न्यू स्टॉक लाइव के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे रोमांचक वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचते रहें। सेशन कोर्ट ने खारिज की करण ओबेरॉय की जमानत याचिका। ये एक्सटॉर्शन की है, हमने बैंक स्टेटमेंट सबूत पेश किए हैं सबूत के दौरान, और उसमें काफ़ी सारे बैंक ट्रांजैक्शन दिखाई गए हैं जहाँ पे 50,000, 30,000 ऐसे टाइम टू टाइम काफ़ी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। इनफैक्ट हमारे पास हर एक गिफ्ट जो हमने दिए उसके बिल्स है, जो डिडक्शन उस महिला के अकाउंट से हुआ है, और जो डिलीवरी एड्रेस है वो करण ओबेरॉय के एड्रेस का दिखाया गया है। तो वो दिखाता है कि हमने जो गिफ्ट्स परचेज किए वो उसी बंदी के लिए गए हैं और उसी बंदी के घर पे डिलीवर गए। इनफैक्ट ये जो गिफ्ट की जो आप बात कर रहे हो, जो हम बता रहे हैं कि जो गिफ्ट दिया हुआ है, वो गिफ्ट में से काफ़ी चीज़ें जो है पुलिस ने ऑलरेडी उसको अंडर अपने ले चुका है, और पछतावा भी बहुत जल्दी बनने वाला है, और बहुत जल्दी जितने भी बाकी गिफ्ट भी हमारे दिए हुए थे लड़की ने वो भी रिकवर किया जाएगा वेरी सून। और गिफ्ट का सिलसिला जो था वो सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं था, वो उसके घर वालों को भी गिफ्ट देती थी, उसके भी हमारे पास एविडेंस है, वो भी हमने रहते ये दिखाते हैं कि उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व थी कहीं ना कहीं पे। तो सबने उसको एक्सेप्ट करने के बाद ऑल ऑफ सडन उसको रिजेक्ट कर दिया। ग्राउंड जो रिजेक्शन का है वो वही है जिसका हम निर्णय कर रहे थे, और वो ये है कि शादी का जूता दिलासा दे के झांसे में ला के एक्सटॉर्शन ऑफ मनी हुआ है, काफ़ी सामान वगैरह उससे निकलवाया है लड़की से, और जूता वादा करके शादी कभी किया नहीं, और जब काम हो गया सारी भूख मिट गई तो उसने उसको सब जगह से ब्लॉक कर दिया, और ये बोलता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो इस बेसिस पे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके अगर कोई झूठा वादा करता है शादी का और उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या फिजिकल कॉन्टैक्ट रखता है, तो वो दैट अमाउंट्स टू रेप एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो उसको उसके ऊपर रिलाय करके ऑनरेबल सेशंस कोर्ट ऑफ बंदोशी ने इस बिल को रिजेक्ट किया है एंड द ट्रूथ हैज बीन प्रिवेल्ड। थैंक यू। और भी क्या ग्राउंड हो सकता है बिल रिजेक्ट करने के लिए? सबसे मेजर ग्राउंड तो फिलहाल यही था, और सेकेंड रीज़न ये है कि इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन अब तक नहीं हुई है। 4 तारीख को FIR होता है, 5 तारीख को अरेस्ट होता है इंसान, हार्डली 10 दिन भी कंप्लीट नहीं होता और तुम जाके बेल एप्लीकेशन फाइल कर देते हो। उसके अलावा लोअर कोर्ट में जाके अंदर ही मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके वहाँ पे एक एप्लीकेशन सबमिट कर दो कि मुझे जो प्रॉपर्टी मेरी कॉन्फिस्केट की गई है, सीज की गई है पुलिस ऑफिसर से, वो भी मुझे रिटर्न चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? और वो लैपटॉप और मोबाइल भी विक्टिम ने ही गिफ्ट किया है, उसको विक्टिम को ही बिलोंग करता है, और वो उन्हें वापस चाहिए। अब जब वो भी वापस चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कहाँ से होगी? तो इस ये भी एक सेकंड ग्राउंड है रिएक्शन का। थर्ड ग्राउंड ये है कि विटनेस की स्टेटमेंट्स डिस्पोज होनी बाकी है, विटनेसेस की स्टेटमेंट बाकी है। तो अगर अक्यूज बाहर ग्राउंड पे आएगा, बेल पे आएगा, तो विटनेसेस को थ्रेटन कर सकता है, विटनेसेस को मैनिपुलेट कर सकता है और एविडेंस बनाने की कोशिश कर सकता है। तो उसके मैसेज को भी आप देखते हैं, ये कहा नहीं जा सकता कि ये रेप का केस है। वो वन साइडेड, उसने कहीं भी किसी भी मैसेज में नहीं लिखा कि उसका कभी रेप हुआ है या उसको कोई दबाव डाल के उसने कोई गिफ्ट दिया हुआ है। एक्चुअली ये रिलेशन कंसेंशुअल रिलेशन था जो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, उस कारण से इस तरह के आरोप लग गए। तो वी आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर, विल टेक इट टू द हाई कोर्ट। पीड़िता का कहना है कि उसने जो गिफ्ट के बारे में जो बात आधी, तो मैटर में कोई मटेरियल नहीं, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिख रही है जिसका कोई वजूद नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा था कि रेप या एक्सटॉर्शन बनता है क्या? पूरे किसी मैसेज में कहीं भी किसी भी रूप में उसने कहीं आरोप नहीं लगाया, इंक्लूडिंग दी पास्ट कंप्लेंट उसका कभी रेप हुआ था या उसने एक्सटॉर्शन किया हुआ था। तो इस तरह की इसमें कहानी 2019 में बनाई गई है एंड हम लोग इसको हाईकोर्ट में एक्सपोज करेंगे। सर, बेल रिजेक्ट होने का फिर ऑर्डर की कॉपी 1-2 दिन में मिलेगी तो पता चलेगा, बट इट अपीयर्स के साथ जो गिफ्ट दिए गए, सो कॉल्ड गिफ्ट दिए गए हैं, उसकी वजह से रिजेक्ट हुआ। सर, आपका कहना? देखिए, हमने और पहले दिन से ये कहना कि इस मैटर में किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है जिसके द्वारा दिखाया जाए कि हमने एक्सटॉर्शन, उसने करण ने किसी भी रूप में कहीं भी पैसे की मांग की है जी। उसी तरह से उसने शादी का कोई प्रॉमिस किया, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है जी। और रिलेशनशिप बनने का कंसेंट वाले का भी कोई प्रूफ नहीं है। अनडाउटेडली अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हुआ है, बट विल टेक इट टू द हाई कोर्ट। धन्यवाद। आज जो सुनवाई रखी गई थी उसके अंदर काफ़ी दलीलें पेश की गई, हमारी तरफ से भी काफ़ी दलीलें पेश की गई। माननीय कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद ये निर्णय लिया कि बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए, यानी जो जुडिशियल कस्टडी है उसके अंदर वो अक्यूज़ जो है वो अभी और दिन रहेगा जब तक के कोई सुपीरियर कोर्ट का फैसला नहीं आए। और कुछ जानना है आप लोगों को इसके बारे में? और थैंक यू।